लगता है पंडित जी आ गए। ये रस्म ना हो गई है, अब तुम ये सब उतार दो, ठीक है? अरे यहाँ नहीं, ऊपर जाकर कमरे में उतारो, मैं आती हूँ। हाँ सही थी, रूपी दैविक नहीं है, बल्कि वो एक डायन है। मैंने आपकी आपकी बात नहीं मानी, गुरुमा मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मुझे भी मांगनी है वैद्यश्री जी। आप माफी क्यों मांगेगी गुरुमा? गलती आपसे नहीं, हमसे हुई। कभी कभी हम भाग्य के हाथों मजबूर हो जाते हैं और ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तुमने भी वही किया और अब मैं भी वही करने जा रही हूँ। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये टाइम चक्र तुम वेदश्री के आगे बिछाओगी। मैं चाहती हूँ वेदश्री इस टाइम चक्र में पैर रखे, ताकि उसके बाद वो वही करे जो मैं उसे करवाऊ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं गुरुमा? हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे गुरुमा, इस समय दैविक को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायन को एक दैविक ही मार सकती है। माफ कर देना मुझे।